Good morning students, myself Priya, your science teacher. In this video, we will continue our chapter, that is chapter number 2, acid, bases and salts. So students, we have already discussed the basic difference between acids and bases. In this video, we will recall the previous topics and also discuss about the various indicators used to distinguish between the acids and bases. So starting from the first page of NCERT book, that you have learned in your previous class that the sour and bitter tastes of food are due to acid or base. हमने ये read किया है कि sour और bitter tastes जो होते हैं food के, वो किसके according होते हैं, that is due to acids and bases जो उस पर present होते हैं. अगर मान लो कोई family में कोई person है, वो suffer कर रहा है acidity की problem से, overeating जब करते हैं तो acidity की mainly problem होती है, तो हम क्या उसे suggest करेंगे, कौन सी remedy? Lemon juice, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन. अब हमें पता है कि जो लेमन जूस है दैट इज़ बेसिक इन नेचर और एसिडिक इन नेचर, दैट इज़ एसिडिक इन नेचर. जो विनेगर है वो भी क्या है, एसिडिक इन नेचर. बट जो बेकिंग सोडा है वो क्या है, बेसिक इन नेचर. सो अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो हम उस पर्सन को एसिडिटी रिमूव करने के लिए कौन सा सोल्यूशन देंगे, दैट इज़ बेस इन नेचर. सो आपको ये हमेशा याद रखना है, एसिड और बेस जो है एक दूसरे इफेक्ट को क्या करते हैं, नलीफाई करते हैं, मतलब कट करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट आर एसिड्स. एसिड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जो गिव ऑफ करते हैं हाइड्रोजन आयंस को व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. दे आर रिकॉग्नाइज्ड बाय हैविंग एच प्लस आयन एज अ कैटायन. उसमें एच प्लस आयन होता है जो डिसोसिएट हो जाता है कैटायन में जब उसको हम वाटर में ऐड करते हैं. और क्या राइज करता है, हाइड्रोनियम आयन. हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला याद रखना है, H3O प्लस वन, प्लस वन यहाँ पे क्या है, दैट इज़ कैटायन आयन, जिसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन. एसिड और बेस का हमने डिफरेंस स्टडी किया था, एक बार रिवाइज कर लें. एसिड क्या होते हैं, टेस्ट उनका सॉर होता है. बेसिस का क्या होता है, बिटर होता है. रिएक्ट करते हैं सम मेटल्स के साथ जो हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ करते हैं. और इसमें बेसिस क्या होते हैं, फील स्लिपरी फील होता है. ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, जो बेसिस होते हैं डिसॉल्व करते हैं फैट्स एंड ऑयल्स को. नाउ वी विल डिस्कस द इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ एसिड बेस एंड इंडिकेटर्स. सब्सटेंसेस दैट चेंज कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और आर बेस, उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर. ब्लू, रेड और ब्लू लिटमस हम यूज़ कर सकते हैं. फिनोल फिथिलाइन जो है उसे यूज़ कर सकते हैं. ब्रोमम मिथिलोइल ब्लू ये यूज़ कर सकते हैं. रेड कैबेज यूज़ हम यूज़ कर सकते हैं एज अ इंडिकेटर.